जो पब्लिक का जनता का नुकसान है, लोडिंग बंद हो जाएगी तो जनता को 15 रुपए के लिए मिलेगी। उनके आंसू रोएंगे गरीब आदमी बेचारे, वैसे तो खाली पा रहा। अभी टमाटर में देखिए कैसा हाल हुआ, प्याज में हो जाएगा। आपको लगता है कि प्याज जो है टमाटर से ज्यादा महंगी हो सकती है? टमाटर से ज्यादा महंगी बिक सकती है अगर 40% टैक्स लगाया है सरकार ने। प्याज के रेट अभी मिनिमम 23 रुपया 22 रुपये से लेके 27-28 के बीच में बिक रही है मार्केट के अंदर। बाहर की तो उसका उसका हम लोगों पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम लोग मतलब थोक विक्रेता है। हमारा जो रेट आता है नासिक से और मध्य प्रदेश से, उसके हिसाब से और भाड़ा जो लगाया जाता है किराया जोड़कर उसको बेचा जाता है। लोगों का सारा घर का बजट बिगड़ गया। जो लोग कैपेबल हैं वो तो परचेज कर लेते हैं हर चीज़ को, लेकिन जो लोग मीडियम क्लास है या फिर लोअर मीडियम क्लास है उसके लिए तो सारा चीज़ बजटिंग ही होता है। जब सैलरी पेड आदमी, उसकी तनख्वाह थोड़ी कोई बढ़ करके मिलती है। जिसकी सैलरी फिक्स है उसको तो उतने पैसे ही मिलने हैं, तो उसको तो बजट अपने घर का उस हिसाब से चलाना है। और आलू प्याज टमाटर ये जो चीज़ है ये तो बहुत ही जनरल चीज़ है, जो तो आदमी को किचन में चाहिए ही चाहिए। नई फसल आने वाली है सितंबर में, तो उससे अगर दबाव पड़ गया, माल अच्छा आया, बारिश से नुकसान नहीं हुआ तो रेट नहीं बढ़ेंगे। अगर बारिश से हो जाती है बेंगलोर या कोल्हापुर तो फिर रेट बढ़ सकते। धर्मदास लाडवानी सर, प्याज के जो है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है सरकार ने, कैसे देखते हैं सीनियर से? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि इससे कस्टमर के लिए महंगाई होगी या? शंकाएं थी ज़रूर, पर अब रेट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सरकार जो रेट प्याज अपना स्टॉक करती थी उसने अपना प्याज बेचने का ऑर्डर दे दिया है उसकी। हाँ, आसानी से प्याज यही बिकेगी 20 रुपये किलो, इससे ऊपर का रेट अब नहीं जाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।